एलसीएम पॉजिटिव निगेटिव एलसीएम, ये डिस्प्ले की है, ये मैसोन की लाइन है, यहाँ पर टिक किया और हमको यहाँ पर मिला। और यहाँ पे कोई सीरीज कॉम्पोनेंट हमको नहीं है। अगर हम देखेंगे तो हमारे को ये दो कैपिटल हमारी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेलीकॉम। आज मैं दिखाने वाला हूँ आईफोन 7 नो डिस्प्ले सोल्यूशन सर्किट डायग्राम के साथ, जिसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और अगर आपको ऐसा काम करना है, लाइट चार्जिंग कनेक्टर, ये चार्जिंग के प्रॉब्लम, लाइट के प्रॉब्लम, वाटर डैमेज, डैड यूट्यूब और ये सारे टच के प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करने हैं आईफोन में नैंड प्रोग्रामिंग, तो आप इसे टेलीकॉम को ज्वाइन करो, क्योंकि यार इतने बेहतर तरीके से हम आपको सिखाएंगे और लाइव बोर्ड पे, बंद बोर्ड पे बिल्कुल भी नहीं, हम आपको लाइव बोर्ड पे सिखाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्टर लगा रहा हूँ आपके सामने, तो ये मेरी मैसा की केबल है, कनेक्टर है, तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्टर लगा देता हूँ और डिस्प्ले कनेक्टर लगाकर इसको रीडिंग दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये चालू की रीडिंग हो रही है। मैं आपको बूटिंग सीक्वेंस बताऊंगा आईफोन में। मैं आपको जिन जाओ, ZXW, वूजिंग, JCID और मैं हर एक चीज़ से आपको स्कीमेटिक पढ़ना सिखाऊंगा और फॉल्ट फाइंडिंग में आपको बताऊंगा आईफोन के GR कैसे चेक करें, IC निकालना लगाना और IC को रिवॉल्व करना, ये हम आपको सिखाएंगे इस कोर्स में। आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पे और आईफोन वाली ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग कोर्स पीरियड बहुत कम है दोस्तों, 6 दिन का हमारा ट्रेनिंग पीरियड कोर्स डे है, जिसमें हम आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर केबल लगा दी है, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमने केबल लगा दी है। अब हम इस पर DC केबल लगाएंगे। देखिए, हमने DC केबल भी लगा दी है। अब मैं पावर की दबाऊंगा और आप बूटिंग चेक कीजिएगा जो पीछे DC मशीन है। तो देखिए, बूटिंग यहाँ पे आपको दिख रही होगी 100 के ऊपर चली गई। देखो, मैं फिर से दबाता हूँ पावर की, थोड़ा 3 सेकंड तक दबाए रखना। देखिए, 100 के ऊपर बूटिंग चली आएगी अभी हमारी। 07 हम कंसीडर करेंगे, 20, 200, तो इस तरह से हमारी बूटिंग हो रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ग्राफिक्स का फॉल्ट है बेसिकली। अब देखो, यहाँ पर हमने क्योंकि इसको पहली बार चालू किया है, ये ग्राफिक्स का यहाँ पर लाइट दिख रही है, हल्की सी यहाँ पर लाइट दिख रही है, पर यहाँ पे ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, तो इसका ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है, तो हम इसका ग्राफिक्स बनाएंगे। यहाँ हमको लाइट दिख रही है कि हमको लाइट आ रही है, पर ग्राफिक्स नहीं आ रहा, तो चलो इसका ग्राफिक्स बनाते हैं और देखते हैं कि इसका ग्राफिक्स बनता है कि नहीं बनता है, जो हम आईफोन 7 ग्राफिक्स। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था, इसलिए हमने सॉर्टिंग निकाली थी और सॉर्टिंग के लिए हमने रोजिंग यूज किया था, जो कि इसमें लगा हुआ है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। और जो हमने सॉर्टिंग निकाली थी यहाँ पर, ये दो कैपेसिटर जो हमने निकाल के यहाँ रख दिए थे, कैपेसिटर भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दो कैपेसिटर जिससे हमारी शॉर्टिंग निकल गई थी और फुल शॉर्टिंग थी इस मोबाइल फोन में। अब यहाँ पर हमारा ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, तो हम ग्राफिक्स चेक करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर ग्राफिक्स में भी एक बार देखना चाहता हूँ कि कोई सेकेंडरी लाइन पर शॉर्टिंग तो नहीं हो रही है। उसके लिए फिर बाद में मैं ग्राफिक्स IC पे निकालूंगा और उसके GR चेक करूंगा और देखूंगा कि उसके प्रॉपर वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो दोस्तों, अगर आप इसे टेलीकॉम ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, और जो भी हम प्रैक्टिकल बताते हैं वो लाइव बोर्ड पे बताते हैं। ऐसा नहीं कि सामने डेड बोर्ड रखकर हम उस पर सिर्फ रीडिंग बताएं, हम उसको चालू भी करते हैं, उस पर प्रैक्टिकली GR बताते हैं और वोल्टेज बताते हैं। और दोस्तों, प्रैक्टिकली वोल्टेज बताने का मतलब ये नहीं है सिर्फ ऊपर से, हम उसके IC निकालते हैं, उसके अंदर के GR, कि अगर उसको EN सिग्नल मिल रहा है तो कहाँ से मिल रहा है, उसको अगर कोई कमांड वोल्टेज मिल रहा है CPU से तो कहाँ से मिल रहा है, और उसके बाद उसको लगाकर उसके आउटपुट वोल्टेज भी बताते हैं, साथ में उसकी फ्रिक्वेंसी अगर जनरेट कर रही है तो वो कहाँ से कर रही है, तो ऐसी सारी चीज़ हम अपने कोर्स में हम बताते हैं।
तो चलिए दोस्तों आइए, इसका ग्राफिक्स बना है iPhone 7 का इंटेल एक प्रोसेसर के साथ में, इंटेल के साथ में ये आया हुआ है। जो प्रोसेसर सेम होता है, बाकी ये जो बोर्ड में आता है इंटेल और क्वालकॉम, मतलब जो इसमें बेसबैंड होगा वो इंटेल का है और दूसरा एक और आता है जिसमें क्वालकॉम का बेसबैंड होता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये हमारी आपकी ग्राफिक्स आईसी होती है। हम ग्राफिक्स आईसी पर डायरेक्ट काम करेंगे क्योंकि हमने इसके ऑलमोस्ट कनेक्टर पर सारे जिया चेक कर चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसको शुरुआत कहाँ से करें, तो ले चलता हूँ इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर मैंने वूजिंग ओपन किया हुआ है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम होता है और यहाँ पर ये इसका कनेक्टर बता रहे हैं J4502। और यहाँ पे इसका कनेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा कनेक्टर है J4502। तो यहाँ पर जितना भी येलो आपको दिख रहा है ये सब सप्लाई है और जो उस पर रीडिंग आ रही है ये इनके यहाँ पर वैल्यू होती है या वैल्यू होती है जो इनकी आईसी से आती है। अगर वूजिंग में बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसकी सप्लाई आपको दिख रही होगी 5.7 वोल्टेज एलसीएम मेसा की लाइन है। मेसा के भी जो मेसन होते हैं एलसीएम टच, अलग अलग तीन वोल्टेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो एक आपको मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा और एक आ रही है हमारे को यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव एलसीएम पॉजिटिव निगेटिव एलसीएम ये डिस्प्ले की है। ये मेसन की लाइन है हमारी और ये हमारे यहाँ पर जो आ रहे हैं टच की लाइन के लिए हमारे को वोल्टेज आ रहे हैं 5.1 और ये चेस्ट नेक बोलते हैं हमारी डिस्प्ले को बेसिकली यहाँ पर, जिसके यहाँ पर EN सिग्नल आ रहे हैं। तो जनरली इन पॉइंट पर जैसे इसका नंबर 5 इस पर है, आपको ये रीडिंग मिलना जरूरी है। अगर रीडिंग मिलती है तो हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पर जो सीरीज में कॉम्पोनेंट लगे हुए हैं वो बिल्कुल सही है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 5 पिन की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 नंबर की पिन जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 ये शुरू के 1 2 3 तीसरे नंबर पे यहाँ पर आपको दिखना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम बात करेंगे 3 नंबर, क्योंकि ये लाइन निगेटिव की लाइन है और निगेटिव की लाइन पे 2 नहीं आते जी आ रही, इसका आपको क्लास में पता चलेगा। मैं ना इसकी 1 नंबर की लाइन पे चेक करता हूँ जहाँ पर आपको GR के बारे में मामले में जो लिखा हुआ है 497। तो चलो इसका एक बार GR चेक करते हैं कि क्या इतना GR यहाँ पर या फिर जो रीडिंग है वो आ रही है, उसको GR क्यों बोलते हैं, ये चीज़ जानने के लिए आपको यहाँ पर क्लास पे आना पड़ेगा। तो चलिए इसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इसका GR दिखाते हैं, ये देखिए पहले नंबर पे यहाँ पर +5.7 वोल्टेज आने चाहिए। अभी हम वोल्टेज चेक नहीं कर रहे हैं, हमें चेक करना है रीडिंग। तो आप देखिए यहाँ पर रीडिंग में आपको दिखाता हूँ, देखिए रीडिंग हमारे को प्रॉपर आ रही है। और यहाँ पर रीडिंग ज़्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर मल्टीमीटर हम फ्लूक का यूज़ नहीं कर रहे हैं और ये जो रीडिंग है ये फ्लूक के मल्टीमीटर के हिसाब से बता रहे हैं। दोस्तों आइए चलिए और देखते हैं कि उसमें हम क्या क्या समझ सकते हैं और पूरा करेक्टर समझना है पर्टिकुलर एक पॉइंट के साथ की, और इसके साथ आईफोन एक्स का भी और आईफोन 6 का भी, ताकि आप बना सको यहाँ 6 से लेकर एक्स 11 तक के। तो फिर भैया क्लासेस ज्वाइन करो, अपना बुकिंग करो क्लासेस की और यहाँ पे पहुँच जाओ। तो जैसे कि हमने यहाँ पर टिक किया और हमको यहाँ पर मिला और यहाँ पे कोई सीरीज कॉम्पोनेंट हमको नहीं है। अगर हम देखेंगे तो हमारे को ये 2 कैपेसिटर और यहाँ पे देखिए पीछे लगा हुआ है ये हमारा कॉइल है, ये हमारा सीरीज कॉम्पोनेंट है और ये हमारी पहुँच जाती है डिस्प्ले आई सी। अगर मैं ब्लॉक डायग्राम की बात करूँ तो ब्लॉक डायग्राम में भी यहाँ पर ये जिस आई सी से आउटपुट निकल रहा है ये आई सी आपकी डिस्प्ले आई सी है। अगर मैं इसको U3703 करूँ, ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है ऑलरेडी, मैं फिर से लिख देता हूँ U3703, एंटर करूँगा मैं इसमें, तो मेरे को ये जो आई सी है ये देखिए यहाँ पे आ रही है और ये मेरी डिस्प्ले आई सी है। तो हमारी लाइन तो बिल्कुल सही है और जो भी इसमें मसले होते हैं वो डिस्प्ले के होती है, वाटर डैमेज मोबाइल के लिए भी आई सी को निकाल के इसको चेंज करेंगे और देखेंगे कि हमारा सोल्यूशन होता है कि नहीं। और हम आई सी को निकाले कर इसके एक बार इसके अंदर के भी पॉइंट चेक करेंगे कि हमारे को उस पॉइंट के हिसाब से वोल्टेज आते हैं कि नहीं। चलिए
दोस्तों, जैसे कि अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वू जिन से मैं आपको सिखाऊंगा, जेड एक्स डब्ल्यू से मैं आपको सिखाऊंगा, जे सी आई डी, जिन जाओ और बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आईफोन में जरूरी होते हैं। डायरेक्ट सॉल्यूशंस मैं आपको यहाँ पर दूंगा। आई सी रिवॉल्व करना, पेस्टेड आई सी को रिमूव करना, यू टू जैसी छोटी छोटी आई सी, या तो बात करें आईफोन में सबसे छोटी आई सी से लाइट आई सी को निकालना लगाना, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो और इसके अंदर के फॉल्ट हम देखेंगे, तो उसके सर्किट सप्लाई हम जानेंगे कि कभी भी अगर आपको लाइट का कोई फॉल्ट आता है तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। कोर्स में आपको जो रहना और खाना रहता है आईफोन ट्रेनिंग की कोर्स में, वो आपको अलग होगा और बहुत ही मिनिमम चार्जेस में रहना खाना आपको यहाँ पर लगेगा। और उसके अलावा ये 6 दिन का एक कोर्सेस होगा दोस्तों, जिसमें हम एक आपको लाइव बोर्ड भी देंगे अपने आपकी ट्रेनिंग के लिए, जैसे आईफोन 6 का एक देंगे, आईफोन 7 का एक देंगे। और उसके ऊपर तो आपको एसर टेलीकॉम में आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियो जो हमने प्रैक्टिकली खुद बनाए हुए हैं और आपको ये देख के समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों हम बहुत टाइम से आईफोन पर काम कर रहे हैं और बहुत सारे इंडिया में जो नए नए खुले हैं जो ट्रेनिंग देख रहे हैं, जिनको चला रहे हैं, जिनको टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ा सा आपको देख कर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कम फीस के कारण आप कहीं चले जाओ, पता चलो फिर वहाँ पर आप सीख ना पाओ और फिर आपके साथ फिर आपको लगे कि धोखा हुआ है। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि ये फैसला भी आपका होता है कि आप उधर को आप एक ऐसी जगह सोच सकते हो जो ऑलरेडी कम फीस के साथ पढ़ा रहा है, कम सोर्सेस के साथ पढ़ा रहा है, रिसोर्स और उसके पढ़ाने के मटेरियल है, उसके पढ़ाने का नॉलेज कितना है, वो सब आप बिना जाने से एक खाली सेटअप देख कर अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि आप वहाँ सीख लें। और हम क्योंकि ऑलरेडी बहुत 6 सालों से ऊपर हमारा, तो हम ऑलरेडी 6 सालों से ऊपर का हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो एक बार ऐसा टेलीकॉम जरूर आए और अपना प्रैक्टिस करें। तो देखिए दोस्तों, अब हम अपने फ़ोन में डिस्प्ले लगा के चेक कर लेंगे कि हमारा जो इसका डिस्प्ले है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए, अभी हमने अपने फोन में डिस्प्ले लगा लिया है, अब हम इसमें एक बार और चेक करेंगे कि हमारा ग्राफिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसका जैसे कि हमने देखा होगा वीडियो में कि हमने इसका बनाया था, तो इसका कनेक्टर डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमने कैसे स्टेप टू स्टेप इसका डिस्प्ले ग्राफिक्स ले करा है या आईफोन 7। दोस्तों, अगर आपको आईफोन सीखना है ट्रेनिंग और बेसिक टू एडवांस लेवल पे है और आप चाहते हैं कि कोई भी फोन आपसे वापस ना जाए, तो इसे टेलीकॉम को ज्वाइन करो या हम आपको आईफोन की कंप्लीट
गाइडेंस आपको देंगे, जिसमें आपको हर चीज़ सीखने को मिलेगी और जिसमें, और ये बहुत कम फीस पे होगी। आपको फीस पता करना है, तो आप एसर टेलीकॉम को ज्वाइन कीजिए और कम से कम दिन में सीखते जाइए, क्योंकि हमने इसका डे बहुत कम रखा हुआ है। 6 दिन का हमारा कोर्स है, जिसमें हम पूरा आपको बताएंगे कि किस तरह से आईफोन के टच आईसी या वो चार्जिंग हो या कोई सा भी आईसी, उस पर कैसे काम करना है और सेम मोड पे और बहुत एडवांस लेवल तक सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एसर टेलीकॉम में सीखना है। एक बार मेरे साथ बोलो, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट को, इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट। Thank you, Dasper. Thank you so much.